प्रॉब्लम है कि वाटर फ्लोस थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट अ रेट ऑफ 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसका मतलब कि क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना गिवन है 10 क्यूबिक मीटर का मतलब ये होता है, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ये दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट, जब रेडियस इतने हैं तो रेडियस की वैल्यू इसमें 10/100 तो 0.1 मीटर है, तो एरिया की वैल्यू क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर एरिया आ गया। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। एरिया आपने निकाल लिया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आपको गिवन है, तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगी, वेलोसिटी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। डायामीटर कहां पे, अच्छा ये है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायामीटर गिवन है एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो डायामीटर ऑफ द नोजल क्या होगा, तो ये मान लो डायामीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर वन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है ऐसे, तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड है वी वन की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, तो नोजल का डायमीटर यानी कि रेडियस क्या होगा, क्या होगा अगर वाटर बाहर निकल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लगेगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो क्या होगा, पाई इंटू आर वन स्क्वायर इंटू वी वन इज पाई इंटू आर टू स्क्वायर इंटू वी टू। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको आर टू निकालना है, आर टू को डबल करके डायमीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितने गिवन है, 4, ये वैल्यू वी वन कितने गिवन है, 1, आर वन की वैल्यू 1 है, सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड। क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, वी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, वी की वैल्यू क्या होगी अगर वेलोसिटी हेड 40 सेंटीमीटर है। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था वी स्क्वायर बाय 2g बर्नौलीज थ्योरम के अंदर। तो वी स्क्वायर बाय 2g में वी निकालना है, एच आपको दे दिया उसने कितने सेंटीमीटर है, कितना 42, और जी की वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर अभी आप करो, वेल वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, सेम क्वेश्चन है ओपनिंग दी वेल वाला। ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, शीट नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 1, 62 का क्वेश्चन नंबर 1।
ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स पर मिनट। ये क्या गिवन है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, 20 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ द वॉटर निकालना है। कब? जब डायमीटर कितना है 4, तो यानी कि रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 मीटर। तो मुझे पता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला होता क्या है एक पाइप में, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू कितनी है इसमें? पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, रेडियस को यहां पुट कर लेना, वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। मेथड क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि अ गार्डन होज हैविंग इंटरनल डायमीटर ऑफ, तो ये डायमीटर यानी कि रेडियस कितना गिवन है इसका? 1 सेंटीमीटर ये रेडियस है। कनेक्टेड टू अ लॉन स्प्रिंकलर, तो ये पानी जो बाहर निकलता है ना गार्डन में, उसमें से पानी देते हैं, तो यहाँ मोरी होल्स होते हैं, वहाँ से पानी वो बुछारें निकलती हैं इसकी। ठीक, दैट कंसिस्ट ऑफ 24 होल्स, तो ऐसे कितने होल्स हैं? 24 होल्स हैं, ईच 0.125 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो रेडियस इसका कितना है? ये R1 है, ये R2 है, 0.125/2, तो ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, वाटर होल्स में एंटर करता है एट अ स्पीड ऑफ 90 सेंटीमीटर/सेकेंड। आपको बताना है कितनी वेलोसिटी से इन होल्स में से पानी बाहर निकलता है। क्या लगेगी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी क्या है? a1 v1 a2 v2। a1 क्या है? पाई इंटू r1 स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है? 90 सेंटीमीटर/सेकेंड। a2 बोलो क्या होगा, एरिया क्या होगा? इंटू 24, 24 होल्स हैं, पानी 24 होल में से आ रहा है, तो एक होल का एरिया कितना है? पाई इंटू r2 का स्क्वायर, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। R2 पुट कर लेना, R1 पुट कर लेना, सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। स्टेप इसमें यही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड में एरिया को 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है यहाँ तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक,